बेटा सम्राट कुछ कर, ये लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। आइए मम्मी। कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी बहन। The best है। जल्दी से पानी ले आओ। जी मामा जी। नाटक है। पानी मारो, पानी मारो। सम्राट उठो। उठूंगा ही नहीं मैं अब तो भाई साहब, तो खाक जाऊंगा। छिड़कते रहो पानी। पता नहीं क्या हुआ मम्मी। ईशान क्या क्या हो गया सम्राट को? उठो ना सम्राट, क्या हो गया तुम्हें? सतारी पानी और चुपकली 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 और चुपकली चुपकली। चिपकली नहीं है सम्राट, नहीं है चिपकली। थैंक गॉड सम्राट तुम्हें होश आ गया। अरे भाई आता कैसे नहीं, बचपन का दोस्त है मेरा चड़ी बड़ी। जानता हूँ छिपकली से डरता है, तभी तो ये टोटका यूज किया ना फुदकवाने के लिए। मतलब होश मिलाने के लिए। दामाद जी ओके पानी। सम्राट अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, जो हुआ सो हुआ, अभी जल्दी जल्दी विदाई की रस्म कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट का टाइम भी तो हो रहा है ना। चलो आओ नीचे आ जाओ। ये पकड़ो जल्दी रखो, और पीछे वाली गाड़ी में भी दो बैग्स हैं, भूलना नहीं ठीक है। एयरपोर्ट के टाइम ट्रॉली पे सब रखना। हमें भी इनके साथ दूसरी गाड़ी में चलना पड़ेगा ना। हुँ? इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। हाँ हाँ मामा जी चलना पड़ेगा, वरना हमारे प्यारे दामाद जी इमोशनल होकर लौट ना आए कहीं, है ना। ये ले रानी, तानी चावल हाथ में लेके पीछे मम्मी की झोली में डालते जाना पूरे 5 बार। चलिए शाबाश। कैसा लग रहा है सम्राट सिंह राठौर? 24 घंटे पूरे नहीं हुए अभी। बैकअप? गुड लक फॉर न्यू लाइफ एंड फॉर न्यू वाइफ। ज्यादा उड़िए मत और मी मैडम जी, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर बेताल की तरह आपकी जान के पीछे हूं मैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, होली से पहले वापस यहां कुछ बैठ करूंगा मैं। सम्राट सिंह राठौर विल रिटर्न अगेन, और फिर मैं आपकी होली को बेरंग भी बनाऊंगा,
और भांग के साथ सम्राट नाम का जहर भी खोल के पिलाऊंगा और बोलिए मेरी चुईया। अरे मैं भी सांप हूं और वापी के बनाए इस बिल में मैं भी रहूंगा। वेट फॉर मी एंड फॉर योर गुड लाइफ। लीजिए दीदी, आरती की थाली तैयार हो गई। आरती किस लिए? लो, आप भूल गई, उर्मी पग फेरे की रस्म के लिए गई है ना। अभी आएगी तो आप उसकी आरती उतारेंगी। आप सास हैं, सास होने का धर्म तो निभाएंगे कि नहीं? इकलौता बेटा है आपका और इकलौती बहू, वो आए तो उसकी आरती अच्छे से उतार के पूज के गृह प्रवेश कराइएगा। हाय दीदी, भगवान आपको हिम्मत दे। अब तो आप बस मन कड़ा कर लीजिए। अब वो क्यों? अपने रेडीमेड पोते के वेलकम के लिए, जो आपके ईशान से बस थोड़ा ही छोटा है, लंबाई में भी और उम्र में भी। ये आज तो उर्मी उसे लेके ही आएगी, फिर आप दोनों की आरती उतारिएगा। मैं तो आरती उतारू रे मैया और बेटे। अरे दामिनी, अब उर्मी और ईशान आ गए हैं, चलो चलो उनका स्वागत करना है। बहू घर में आ रही है भाई। जी चलो चलो चलो। चलिए दीदी शुरू हो जाइए। अरे रुको रुको रुको, बकायदा रस्म होगी पहले। दामिनी संध्या। हेलो आंटी। हेलो अंकल। हाय बेटा। दीदी औलाद जो ना कराए सब थोड़ा ही है। अब देखो अपने आप को, कहां लॉर्ड गवर्नर की बीवी लगती थी और अब कहां सिर्फ एक मजबूर मां बन के रह गई हैं। आ जाओ, वेलकम शौर्य, कम इन। चलो पहुंचो। अरे नहीं 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 बेटा, बच्चे बाहों को हाथ नहीं लगाते। खुश रहो। इधर भी। अरे बस बस, हाई फाइव हो गई। अब उजाला शौर्य को उसका रूम दिखाई। कम चलो शौर्य, हम तो मैं तुम्हारा रूम दिखाते हैं। जा। चले। अब ना ये घर घर जैसा लग रहा है। पहले तो लग रहा था कि हम किसी क्राउडेड रेलवे प्लेटफॉर्म में बैठे हैं। मतलब कि आसपास चोर उचक्के हैं, हमेशा चौकन्ने रहना पड़ता था। अब शांति से जिएंगे। बिल्कुल, एंड हैप्पी डेज आर हियर अगेन। अरे हैप्पी डेज से याद आया, ईशान उर्मी ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है पापा? अरे भाई तुम्हारे हनीमून के फ्लाइट के टिकट्स। अरे भाई शादी के बाद तुम दोनों को एक दिन भी नहीं मिला रिलैक्स करने के लिए। कल महाशिवरात्रि की पूजा करके परसों तुम लोग मालदीव्स के लिए निकल जाना। ओके ये लो। अरे लो ईशान, क्या सोच रहे हो, ये लो एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके भाई वाह, बड़ी अच्छी किस्मत है तुम दोनों की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ससुर जी तुम्हें हनीमून पे भेज रहे हैं, भाई बधाई हो। बस छुट्टा तुम्हारा बाप देगा। सर बाप पे क्यों जा रहे हैं?
बात कर रहे देख। हेलो हाँ जी मदर इंडिया, क्या हाल है भाई? हो गई सारी तैयारियां? बेटा बहू बस निकल रहे हैं, जैसा जैसा कहा था सब कुछ वैसा होना चाहिए, किसी चीज की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा वही तो कर रहे थे हम, अब तुम भी ना अचानक से कुछ भी कहने लगते हो, ना आगे देखते हो ना पीछा देखते हो, ये सब काम करने में टाइम लगता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि घुमाई और सब काम हो गया। टाइम नहीं है मेरे पास, समझिए आप बकवास कर रही हैं यहाँ पर। भोपाल से निकल रहे हैं दोनों यहाँ से, ओके? मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक डेढ़ घंटा डिले कर पाऊंगा, कुल मिला के 4-5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, इसलिए सारा काम अप टू डेट चाहिए मुझे। फिर जादू की छड़ी घुमाइए, अपनी खोपड़ी घुमाइए, काम चाहिए मुझे बस। बेटा हम ये सब काम ही तो कर रहे हैं, पर अचानक से नहीं नहीं होने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं दे रहा हूँ, बस काम करिए ओके? इतना बड़ा बकरा पकड़ के ला रहा हूँ, आपसे इतना सा काम नहीं संभल रहा है? नहीं नहीं बेटा, चिल्लाने ही तो हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। चल चलो हम फोन रखते हैं, काम निपटाना है हमको। रुके मेरी बात नहीं है, किसी भी चीज की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्वागत बढ़िया तरीके से होना चाहिए, समझी क्या? समझी हाँ हाँ समझ गए हम, बिल्कुल समझ गए। अब रखिए फोन। अच्छा अच्छा चलो हम काम निपटाते हैं। मुस्कुरा रही है बताओ, इडियट कहीं की मुस्कुरा तो ऐसे रही है जैसे भगवान की नानी हो मुस्कुरा के मौसम बदल देगी। इस बेवकूफ को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं यहां पर। उर्मी इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम परेशान होना बंद करो ओके? पापा से क्या कहोगे तुम? पापा ने इतने प्यार से ये टिकट्स दी है तुम्हें, मना करेंगे तो बुरा लगेगा पापा को, और कैसे बोलेंगे कि हम दोनों एक साथ हम दोनों हनीमून पे नहीं जाएंगे, क्या रीजन देंगे पापा को? तुम पापा को क्या बहाना दोगे और कैसे समझाओगे? रुमी मैं तुम्हें जितना मना कर रहा हूँ परेशान होने का, तुम उतना ही परेशान होए जा रही हो। ईशान परेशान होने वाली बात है, पापा को भरोसा है अपने ईशान पर? भरोसा है? है ईशान। तो बस भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगा। अरे मैं पापा को मना कर दूंगा और उन्हें मना करने का असली कारण भी नहीं पता लगेगा। I promise you. और अगर मम्मा मम्मा शौर्य व्हाट्स अप? क्या हुआ बेटा? मम्मा आपने मेरा रूम देखा? कितना प्यारा है मेरा रूम। हाँ बेटा हमने देखा, और क्या आपको पता है आपका ये रूम किसने डिजाइन किया? नहीं। ईशान ने खुद पर्सनली डिजाइन किया। मुझे पता था ये आपका ही टेस्ट होगा, इट्स वंडरफुल। अच्छा अब बेस्ट फ्रेंड्स का तो टेस्ट सेम होता है ना? राइट पार्टनर? हाँ। मामा क्या आपको पता है यहाँ कितना बड़ा लॉन है, और रति दीदी कह रही थी कि यहाँ पे एक क्रिकेट का फुल सेट है। अरे बाप रे, और हम लोग वीकेंड पर क्रिकेट खेलेंगे, कितना मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा, बहुत 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 मजा आएगा। वीकेंड का प्लान तो फिक्स है मेरे शौर्य के साथ, बहुत मजा आएगा है ना? हाँ पापा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब से मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर। खबरदार और कुछ बुलाया मुझे तो, ठीक है? थैंक यू सो मच पापा। यू वेलकम माय सन, आई लव यू। और अब दे किसी? आई लव यू टू, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। मम्मी जी कल की पूजा के लिए शंकर जी बनाने के लिए मिट्टी लाए हैं हम। हाँ। उर्मी भाभी की कल पहली पूजा है ना, तो कोई और तैयारियां तो नहीं करनी? हाँ हाँ बहुत सारी तैयारियां बची हैं अभी। जीजा जी एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे
अरे हाँ हाँ बोलो भाई, ऐसी क्या बात है? क्या है ना, आपको उर्मी और ईशान को हनीमून के टिकट्स ना कल के बाद के देने चाहिए थे। क्यों? अब देखिए ना, इतना बड़ा त्योहार है, महाशिवरात्रि है, लेकिन घर की बहू तो पैकिंग में बिजी है। उसे तो सुध ही नहीं है कि यहाँ इतनी सारी तैयारियां बची हुई हैं। मामी जी, सारी तैयारियां वैसे उर्मी भाभी ने ही कराई है। उन्होंने ही कहा था हमसे कि एक बार मम्मी जी से पूछ लेना। संध्या, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। बिल्कुल भाई, हमारी उर्मी को कभी भी उसकी ड्यूटी उसे याद नहीं दिलानी पड़ती। She herself is so responsible. हाँ हाँ, तो मैंने कब कुछ और कहा? बहुत रिस्पॉन्सिबल है मम्मी जी। क्या है, सारी तैयारी हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है? चल। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ तुम लोग बैठो। ईशान, कुछ टेंशन में लग रहे हो, कुछ कहना चाहते हो क्या? वो एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ कहो बेटा। पापा, वो उर्मी और मैंने डिसाइड किया है कि फिलहाल हम हनीमून पे नहीं जा पाएंगे। पर क्यों? क्या नहीं जा रहे? पापा वो एक्चुअली मेरी कुछ इंपॉर्टेंट हियरिंग्स हैं इन दिनों में, तो मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। इट्स अनअवॉइडेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ईशान, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई तुम दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड करना भी तो जरूरी है ना। क्यों उर्मी? हाँ पापा, वो तो है ही, टाइम स्पेंड करते ही रहते हैं। क्यों? एंड वी कैन ऑलवेज गो लेटर सम टाइम। एंड उर्मी भी बहुत बिजी है पापा, वो रेस्टोरेंट बहुत निगलेक्ट हो गया ना शादी के चक्कर में, तो इस सिलसिले में थोड़ी बिजी रहेगी। बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए ना पापा। प्लीज पापा, अभी फिलहाल मुश्किल है हम दोनों के लिए। Are you sure? Yes, पापा, बिल्कुल, I'm sure. But I really appreciate it कि आपने हमें टिकट्स दी। अब आप बुरा मत मानिए, it's just थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। Okay, as you wish. पर हमारी नई नवेली बहू नाराज नहीं होनी चाहिए, ओके? नहीं पापा, इसमें नाराजगी वाली क्या बात है, हम बिल्कुल नाराज नहीं है, काम तो पहले है। हाँ बिल्कुल, वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों हनीमून पे क्यों नहीं जा रहे? सामान निकाल लो भाई। अरे यार, वाओ, तो ये है मेरे पति देव का घर, यानी मेरा ससुराल। ब्यूटीफुल। आई नो डार्लिंग, उस चुहिया ने भी कसम से क्या भूत चढ़ाया इसे ससुराल का यार। अरे पब और क्लब में उछलने वाली, दारू और मुर्गे की टांग नोचने वाली बिल्ली, गाय बनकर भूसा खाने झांसी चली आई, बताओ। आई होप यहाँ माता राम ने सब संभाल लिया हो। सम्राट, क्या हुआ? चलो ना। चेक किया सर, निकाल लिया ना। क्या हुआ था? अरे वो ऐसे ही इतने दिनों बाद घर आया तो इमोशनल हो गया। बजरंग बली बचा लीजिए भाई, आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो सीधे लात मार के मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी। बड़ा गचमाल है, एक बार कैश होने भर की देर है बस। Finally at my ससुराल। Thank you so much.
अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ? एक नंबर। सम्राट बेटा, भाऊ, आ, तुम्हारा स्वागत है। कैसी है माते? बाप रे बाप, ऐसे तो कभी पैर नहीं छुए इस सम्राट ने। काका कर रहा है अब अपनी बीबी को टांगने के लिए, जरा देखो। बेबी डॉल, पैर छुओ माँ के। या हाँ? अब 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 खुश रहा। ऐसी हैं, रोज पैर छूने आपको, ये यहाँ का नियम है, संस्कार है यहाँ के। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल से कोई परी उतर के आ गई है। हाँ हमारे गले लग जा। लो शुरू ओवर एक्टिंग। गले तो ऐसे लग रही है जैसे ईद उल फितर हो। कहाँ है भैया भाभी, दिखाने दे रहे, बुलाइए। है ना, है दिवाकर कंचन, देखो सम्राट किसको लेके आया है, बहू को बंबई से। वेलकम टोनी। सही काम किया है माते ने, किराए के भैया तो ठीक है, भाभी बढ़िया लाई है। बहू खड़ी कहाँ हो, आरती उतारो ना बहू की, चलो। बहू रानी। दिवाकर भैया, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ आपको, चेंज हो गए। आई मिस्ड यू लॉट। मैंने भी बहुत मिस किया। भाभी। उड़ी बाबा। देवर जी, अंदर प्रवेश कोरी। आशुन आशुन, आओ। चलो। कहाँ हुआ? बंगाल गई थी निलाने। भैया भाभी बंगाली मतलब। क्यों दिमाग खराब है क्या? क्या उड़ी बाबा, क्या उड़ी बाबा? छोड़ो हमारा हाथ। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। हाँ। सुन मेरी बात, सुनिए। कहाँ है? सामान लेकर आइए मेरा। उर्मी, टायर्ड बहुत थक गई हो ना, जाओ जाके सो जाओ। उर्मी इतना एक्सर्शन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बीमार पड़ जाओ। टेक केयर, अपना ध्यान रखा करो। क्या खिचड़ी पकती है दोनों के बीच, सुनना तो पड़ेगा। अचानक क्यों हनीमून पर जाने से मना कर दिया दोनों ने? उर्मी, सीरियसली, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग डे, बहुत थकी हुई लग रही हूँ। गो गेट सम रेस्ट। ईशान, पता नहीं ना कि अभी बाहर सब सो गए हैं या नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उतने में हम काम खत्म कर लेंगे। बता रहा हूँ सब सो गए होंगे, रात बहुत हो चुकी है, ट्रस्ट मी कोई नहीं होगा इस वक्त बाहर। छोड़ो ये सब, कह रहा हूँ जाके सो जाओ। सो जाओ जाकर, सब सो गए होंगे, कोई नहीं होगा बाहर, मतलब ये क्या कह रहा है ईशान? कुछ कहना था मुझे, दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, तुम्हें हर रोज रात को यहाँ वेट करना होता है और फिर किसी और कमरे में जाके छुप छुप के सोती हो, बट समझ रही हो ना, अच्छा नहीं लगता, घर वालों को पता लगेगा तो बहुत। ईशान, आई अंडरस्टैंड। कौन से घर वाले बर्दाश्त करेंगे ईशान, शादी के बाद भी हम
पति पत्नी की तरह नहीं रहते, पत्नी की तरह नहीं रहते।